स्वागत कर रहा हूँ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी के संस्थापक परम आदरणीय मेरे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को आए और संबोधित करें। तो हम ठहरे अनुशासित व्यक्ति और हमें अपने लोग भी ऐसे ही चाहिए कि हमारे लोग भी अनुशासित हों। तो पहले तो बनाओ वो माहौल कि लगे कि अनुशासन है, तब तो हम रखें बात। और अगर तुम ऐसा माहौल ना बनाओ तो फिर हमें लगे तुम हमें सुनना ही नहीं चाहते। तो पहले तुम लोग ऐसा माहौल बनाओ जैसा हमने तुमसे मांगा आने के बाद। जब तक तुम ऐसा माहौल ना बनाओ और जब जब खराब करो तभी हम रुक जाएं, उसके बाद तब तक ना बोले जब तक तुम लोग वापस वैसा माहौल ना बना दो। और मीडिया के लोगों को रहने दो, तुम मीडिया मत बनो, तुम्हें ये मीडिया के लोगों को खड़े रहने दो, यहां तुम मत खड़े हो, तुम तो बहुत दिनों से खड़े ही हो, तुम्हें सुनता कौन है। बैठ जाओ, बैठो बैठो, आप कोई खड़े ना हो। सुनो, तुम्हारी वजह से भी बड़े दिक्कत हो रही है, तुम भी थोड़े नीचे को हो जाओ। अब तुम संभालो अपने फ्रेम को, हमारे किसान पीछे बैठे हैं, तुम अपने अपने फ्रेम को संभालो अपने आप। जैसे और लोग खड़े ऐसे ही खड़े हो जाओ, हो जाओ हो जाओ, जल्दी हो जाओ, जल्दी हो जाओ, तुम लोग भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, और मंच वाले भी बैठ जाओ, और ये भी बैठ जाओ मंच वाले सब लोग, और ये बैठा देखो यहाँ हमारा भाई, तुम भी ऐसे बैठ जाओ, जो काम कर रहे हो वो खड़े रहो, बाकी बैठो, बैठ जाओ सब लोग, खड़े मत हो, जल्दी बैठो, समय कम है, बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो सेवड़ा के सभी क्षेत्रवासियों का, यहां की महान जनता का, और सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारी माताओं बहनों का। देखो उनसे एक बार नहीं कहा कि बैठ जाओ या खड़े जाओ, अपने आप बैठी है, इतना प्यार करती है। और तुम देख लो जिनके लिए हम 24 घंटे खड़े रहे उनको देख लो, और उनको देख लो और फर्क महसूस कर लो, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है और मेरे कंधों में बहुत जिम्मेदारी है। तो मैं धन्यवाद देता हूं यहां की पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता को, और इस मंच पर उपस्थित तमाम हमारे सम्मानित नेतागण, जो भाई दामोदर जी से बहुत प्यार करते हैं, और यहां बैठे हमारे सभी मजदूर किसान नौजवान महिलाएं बुजुर्ग बच्चों मीडिया के साथियों। चुनाव आ गया और आप जानते हैं हम चुनाव में नहीं आते हैं, लेकिन बाकी सब सब बारी आते हैं। पहली बार आए चुनाव में, आपके बीच बताओ उससे पहले आए क्या चुनाव में बताओ, नहीं मगर ये भी बताओ कि पूरे देश में अगर कहीं आपके ऊपर कोई जुल्म हुआ हो तो क्या पीछे रहे हैं क्या बताओ। तुम लोग गड़बड़ कर रहे हो, तुम लोग बैठो बैठो, तुम लोग और जिम्मेदारी समझो, गैर जिम्मेदार हो जाओगे तो फिर नुकसान होगा तुम्हारा। अब तुम देख लो, तो समय समय पे भारत की धरती पे जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करता हूं, भगवान बुद्ध से लेके संत श्रोमणी सतगुरु रविदास जी महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, फिर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पेरियर रामास्वामी नायकर, पैर लल्ले यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, संतराम जी प्रजापति, महामना रामस्वरूप वर्मा, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि साहब और मान्यवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना, मैं आपको प्रजातंत्र बता देता हूं। प्रजातंत्र होता क्या है, कैप वाले तुम अपनी समस्याओं के जिम्मेदार खुद ही हो, अभी बता देंगे तुम्हारी समझ में आ जाए। देखो ये लोकतांत्रिक प्रदेश और देश है,
लोकतंत्र कब आया, लोकतंत्र क्यों आया, लोकतंत्र में कौन ताकतवर है कौन कमजोर है, ये समझने का विषय है। और लोकतंत्र में आप कैसे ताकतवर हो सकते हैं ये भी समझना पड़ेगा। अभी हमसे पहले हमारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव रविन्द्र कुमार भाटी जी अपनी बात रख रहे थे और समाज से अपील कर रहे थे। उनसे पहले तमाम हमारे पार्टी के वरिष्ठ सभी नेताओं ने अपनी बात रखी, संगठन के लोगों ने बात रखी, फिर हमारे यहां के प्रत्याशी बोले, उन्होंने आपसे बात रखी। लेकिन मुझे आपसे कुछ और कहना है, ये देश राजा महाराजाओं के हाथ में था, राजतंत्र में था, और राजा महाराजा जो कह देते, राजा अगर दिन रात को दिन कह दे तो जनता को भी रात को दिन कहना पड़ता था, राजा अगर दिन को रात कह दे तो प्रजा को भी दिन को रात कहना पड़ता था, क्योंकि अगर रहना था उनके प्रदेश में उनके राज्य में तो उनके हिसाब से चलना था। फिर एक ऐसा उजाला निकला, एक ऐसा सूर्य निकला, एक ऐसे रहबर पैदा हुए जिनको हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जानते हैं। उन्होंने जो अपमान पूरे जीवन में सहा और अपने चार चार बच्चों की कुर्बानी देके हमें हमारे पैरों पर खड़ा करने के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़के अपनी एक एक बात को उनको उन्होंने और उनके साथियों ने अंग्रेजों के सामने जिम्मेदारी से रखे इस देश में शोषित वंचित वर्ग के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी। और एक दिन ऐसा समय आया कि देश आजाद हुआ और भारत में लोकतंत्र स्थापित हुआ। जब मिला वोट का अधिकार तो सब लोग चले गए विरोध में। कोई कहता वोट का अधिकार उसको मिले जो जमींदारी करता है, कोई कहता उसको मिले जो व्यापारी है, कोई कहता उसको मिले जो बहुत पढ़ा लिखा है, कोई कहता उसको मिले जो लगान देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अगर चंद लोग फैसला करेंगे कि उनका नेता कैसा होगा, उनका विधायक कैसा होगा, उनका सांसद कैसा होगा, तो ये लोकतंत्र नहीं होगा। अगर पूरी जनता फैसला करेगी और जनता जिसके पक्ष में ज्यादा होगी, जिसको वोट ज्यादा देगी, वो अगर इस तरह से चुना जाएगा तो फिर माना जाएगा कि भारत में लोकतंत्र है। सम्मानित साथियों, ऐसा ही हुआ। आपको जानकारी भी नहीं, नौजवान लोगों को नहीं होगी इसलिए आपसे कह रहा हूं। पहले वोट देने की उम्र थी 21 साल, फिर इसमें चेंज हुआ और वोट देने की उम्र तय हुई कितनी, 18 साल। पहले 18 साल का व्यक्ति नहीं दे सकता था, फिर ये अधिकार आया, दोबारा से इसमें चेंज हुआ, 18 साल का व्यक्ति बालिग माना जाएगा, वो वोट देके सरकार चुनेगा। आज हमारे बहुत सारे नौजवान है जो 18 साल पार करके पहली बार वोट देने जाएंगे। फैसला आपको करना है। देखो, हम राजतंत्र में दूसरे लोगों के डंडे से हाके जाते थे। गांव में बैठा एक जमींदार डंडा उठा देता, हमारे लोग कमजोर किसान पीछे हट जाते। और क्या क्या नहीं सहा आपने, इतिहास का आधार होगा तुम्हारे जख्म क्रोध होगा तो यही रो पड़ोगे। मेरी बात को याद रखना, भारत में ऐसी व्यवस्था है कि मेरे सूरवीरों मेरे बहादुर योद्धा सुनो, देवदासी प्रथा थी कि महिलाओं को दान किया जाता बच्चियों को, और मंदिरों में धार्मिक स्थलों में उनका शोषण होता था। आज भी चलिए इतिहास गवाह पढ़ना, महिलाओं को तन ढकने का अधिकार नहीं था, विधवा विवाह नहीं होता था, बाल विवाह होता था। पहले बच्चों को ऐसे धर्मशास्त्रों में इस तरह की बातें लिख के आपके पहले बच्चों को नदी में दान करवाया जाता था। तमाम तरह की मुसीबतें पाबंदियां आपके ऊपर थी, आप दिन के उजाले में नहीं निकल सकते थे, आपको अपनी बात को कहने का अधिकार नहीं था, बड़ा मकान बनाने का अधिकार नहीं था, जेब में पैसे रखने का अधिकार नहीं था, सम्मान से जीवन जीने का अधिकार नहीं था, अच्छा पानी पीने का अधिकार नहीं था, अच्छा भोजन खाने का अधिकार नहीं था, अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, आपको खेत में भी कोई घुसने नहीं देता था। फिर आया लोकतंत्र, भारत का संविधान एक ऐसा उजाला 26 जनवरी 1950 को कि देश का हर एक नागरिक बराबर। लेकिन जब संविधान सभा में बाबा साहब अम्बेडकर स्पीच दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि राजनीति में वन वोट वन वैल्यू, राजनीति में तो बराबरी हो जाएगी लेकिन जब तक देश में सामाजिक गैर बराबरी रहेगी, जाति के आधार पर छुआछूत भेदभाव रहेगा, ऊंच नीच रहेगी और आर्थिक गैर बराबरी रहेगी, अगर हमने इस विषमताओं को दूर नहीं किया तो अंत संविधान जो है ये लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र नहीं बन पाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि हमारे लोकतंत्र पे खतरा मंडरा जाएगा। अब गौर करो कैसे आया खतरा। जब बाबा साहब अम्बेडकर लड़ लड़ के वोट का अधिकार दिला रहा था तो दुश्मन क्या कर रहा था सोचो। जब ये दामोदर यादव आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, इनके विरोधी क्या कर रहे होंगे सोचो।
इनके विरोधियों ने क्या किया, इनके खुद की जाति का एक प्रत्याशी एक पार्टी से उसको पैसा दिला के टिकट दिलवा दिया कि आजा लड़ हरा दे दामोदर को किसी तरह से। ये षड्यंत्र है। मैं इसलिए कह रहा हूं गौर कर कि जब बाबा साहब आपको वोट के लिए लड़ रहे थे, आपको वोट का अधिकार मिले तो दुश्मन भी प्रयास कर रहा था। दुश्मन ने कहा कि इनके पास वोट है और हमारे पास नोट है। इनकी जरूरत पैसा है, इनको घर चलाना है, इनको रोटी, इनको मकान बनाना है, इनको बच्चों की शादी करनी है, पढ़ाई लिखाई करनी है, करवानी है, इनको इलाज करवाना है, तो इनकी वोट को हम लोग नोट से खरीद लेंगे। और बाबा साहब अम्बेडकर लंबे समय प्रयास करते रहे कि वोटों की बिक्री बंद हो जाए, क्योंकि आर्थिक गैर बराबरी थी। 14 अगस्त जब हम गुलाम थे भारत में 1947 को, 15 अगस्त को आजाद हुए, लेकिन 16 अगस्त को भी आपकी जेब में कोई पैसा नहीं आया। जो 14 अगस्त में जिसकी जेब में जो पैसा था, 16 अगस्त को भी वही था, 17 को भी वही था, 18 को भी वही था। यानी कि देश में राज तो बदला, अंग्रेज चले गए, लेकिन ना धन बटा, ना धरती बटी, ना राजपाट बटा, ना उद्योग बटे, ना नौकरी आई, और इन सबको लाने के लिए संविधान आया। तो मैंने कहा दुश्मन ने षड्यंत्र किया, षड्यंत्र ये था कि इनकी वोट को नोट से खरीद लेंगे। बाबा साहब हमारे रहकर अपने चार चार बच्चों को कुर्बानी देके और 22-22 घंटे जाग के समाज को तैयार करते रहे कि ये मेरे लोगों अपनी वोट का सौदा मत करो, वोट को बेचो मत, लेकिन वो बोलते बोलते चले गए, मेरे लोगों हमारा राज स्थापित नहीं हुआ, आपने बात नहीं मानी। फिर मान्यवर काशीराम साहब क्लास वन के अधिकारी, एक बार बाबा साहब के अम्बेडकर के मिशन के बारे में पता लगा, नौकरी छोड़ दी। आज हमारे लोग नौकरियों के पीछे भागते हैं, कहते हैं नौकरी पहले है, मिशन बाद में। मान्यवर काशीराम साहब ने क्लास वन की नौकरी छोड़ दी, साइंटिस्ट थे, और कहा मैं समाज को पैरों पे खड़ा करूंगा, मैं अकेला व्यक्ति बहुत अच्छा भोजन खा रहा हूं, बहुत अच्छी सुविधाओं, मेरा समाज मिट्टी में मिला हुआ है, मेरा समाज अपमान सह रहा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा, गली गली निकले, आपके क्षेत्र में आएंगे सेवड़ा के मेरे लोगों, और लोगों को जाके समझाया कि उठ जाओ, खड़े हो जाओ। और एक नारा देते थे वो कि वोट की रक्षा बहन बेटी की रक्षा की तरह करनी, कैसे करनी है, कैसे करनी है बताओ। उनका उद्देश्य क्या था कि बाबा साहब अम्बेडकर जो पीड़ा महसूस करते थे कि वोट हमारे पास है, नोट इनके पास है, ये हमारी वोट को नोट से खरीद रहे हैं, उन्होंने नारा इसलिए दिया कि लोग वोट को बेचना बंद करें, वोट की शक्ति समझे। और एक समय आया कि लोगों ने वोट बेचना बंद कर दिया, और एक समय आया कि हम राजनीतिक रूप से ताकतवर होने लगे। दुश्मन ताकतवर है, समझदार है। फिर उसने करा क्या, इस बात को भी समझ लो, उसने कहा भाई अब देखो काशीराम जैसा एक आदमी आ गया है जो तोड़े से टूट नहीं रहा है, जो डराए से डर नहीं रहा है, जो खरीदे से खरीदा नहीं जा रहा है, अब कैसे करोगे। उन्होंने कहा अब तक हम वोट खरीदते थे, अब वोट की गठरी खरीदेंगे, अब हमारा आदमी इनकी पार्टी में जाएगा, वहां से टिकट लेगा, वोट इनका लेगा और काम हमारा करेगा। और अब ऐसा ही होता है। दामोदर यादव को प्रत्याशी हमने क्यों चुना पता है आपको? सिर्फ इसलिए नहीं चुना कि ये विधायक बन जाए, इसलिए चुना क्योंकि ये नेता नहीं, ये लीडर है, ये लड़ता रहा है, हमारे गैर मौजूदगी में लड़ता रहा है। और मैं ये मानता हूं अगर आपके बीच में एक लीडर खड़ा हो गया तो एक के पीछे एक इतने लीडर तैयार होंगे। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासी और माइनॉरिटी के लोगों की है। आपने जातिगत जनगणना बिहार की देखी, बिहार की जातिगत जनगणना कहती है कि 90% आबादी दलित, पिछड़े, आदिवासियों और मुसलमानों की है। और फिर अभी आर्थिक आंकड़े जारी नहीं हुआ, अगर आर्थिक आंकड़े जारी होंगे आपको जानकारी होगी कि 90% लोग 10% पैसे से अपने बच्चों का पेट किस तरह पाल रहे हैं, आपको पता लगेगा। और 10% लोग 90% पैसे से कैसे ऐश कर रहे हैं भारत में, इसका भी आपको पता लगेगा कि क्या चोर बाजारी चल रही है। अमीर का कुत्ता भी एसी में सोता है, अमीर का कुत्ता भी 4 पहियों की गाड़ी में घूमता है, और किसान को बंद कर देते हैं 10,000 रूपये में, 1,00,000 करोड़ रूपए लेके इनके पूंजीपति मित्र मोदी जी के भाग गए, किसी ने सवाल नहीं पूछा। आप 10,000 रूपये का बिल रोक लो, आपकी बिजली काट देंगे और आप पर मुकदमा करके आपको जेल भेज देंगे, ये हालत है आज देश की। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप चेक करा लो, केंद्र सरकार और स्टेट की सरकार का जो गोदाम में अनाज सड़ रहा है, गरीब के पेट तक नहीं पहुंचाना, गरीब भूख से मर जाए लेकिन वो अनाज सड़ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंतर सरकारों का उद्देश्य यह है कि ये अपने पैरों पे खड़ा ना हो और इनका पेट ना भरे, इसलिए व्यवस्था बना के आपको लूटने, खसोटने और खरीदने का काम किया जा रहा। मैं आपको ये कहना चाहता, बहुत हो गया, बहुत जुर्म आपने सह लिए। 12 फरवरी को हम लोग भोपाल में आए थे और बड़ी संख्या में आप लोग भी पहुंचे होंगे,
और हमने अपनी सरकार को जो है अपना ज्ञापन दिया कि ये हमारी मांगे सरकार ने हमें छोड़ दिया, हमारी खबर नहीं ली। मैंने जब पता किया दामोदर यादव के बारे में कि आप देखो नेता पता करता है पैसा कितना है, कंपनी है, फैक्ट्री है नहीं, मैंने जब पता किया तो मैंने पता किया कि जब दो बुरैल में दलित समाज के लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे तो दामोदर यादव उनके बीच में खड़ा था, दामोदर यादव उनका नेतृत्व कर रहा था और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें मुकदमा लिखवाने के लिए घूम रहे थे। ये तो ताकतवर है, मुकदमे तो 16-17 झेल रहा है, कौन झेल लेता। लेकिन आप ये सोचो कि आपके बुरे समय में आपके साथ कौन। हमारे कुछ साथियों को निराशा भी लगी होगी जो लड़ना चाहते थे, उनको ये भी लगा गया हमसे पूछे कुछ फैसले राजनीति में बड़े कठोर ले जाते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं अपने नेता और उसकी नीति पे भरोसा रखो, मैंने किसी धंधा सेठ के बेटे को आगे बढ़ाने के लिए यहां नहीं खड़ा किया। आपके बीच के व्यक्ति में जो लड़ रहा है मेरे जैसा है, मैं भी 20 साल से झंडा उठा के घूम रहा हूं और ना CBI रोक पाई, ना ईडी, ना इनकम टैक्स, ना जेल। 16 महीने जेल में रहा मेरे लोग अपने दिल पे हाथ रखे पूछना मैं खून हूं आपका। 16 महीने जेल में रहा, एक एक रात मैंने ऐसे काटी, मेरी दवाई बंद कर दी, मेरी मुलाकात बंद कर दी, मेरी किताबें बंद कर दी, मेरा खाना बंद कर दिया, सूखी रोटी मेरे आगे पटक दी। और मैंने याद किया अपने महापुरुषों किस तरह से हमारे लोगों ने जीवन बिताया, मैं डटा रहा लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एक एक रात मैंने सोच के काटे अगर मुझे मौका मिलेगा तो ऐसा इतिहास लिखेंगे जिसको सदियों सदियों पढ़ा जाएगा, ऐसा इतिहास लिखेंगे। और मैं मेरा अपराध ये है मेरे लोगों कि मैंने रानी के पेट से जन्म नहीं लिया, मैंने किसी मुख्यमंत्री, किसी मिनिस्टर, किसी विधायक MP के घर में पैदा नहीं हुआ, एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा हूं, आपके जैसे घर से आता हूं। मगर मेरी मां रानी से कम नहीं है, जिसने मुझे पैदा किया वो रानी से कम नहीं है, मेरी ये जो माए बेटी है बहने रानियों से कम नहीं है। ये मेरा अपराध है, इसलिए मैं ताकतवर लोगों की नजरों में चूक गया। उनको लगता है अगर ये गरीब का बेटा खड़ा होगा, आप मुझे अपने जिम्मेदारी से बताओ, अगर चंद्रशेखर आजाद ताकतवर होगा तो क्या आप ताकतवर होंगे नहीं होंगे बताओ। अभी तो शुरुआत हुई है, आज मैं यहाँ सभा करने आया हूँ, यहाँ एक और बड़ी सभा होगी दूसरी पार्टियों की और उनका एक सूत्रीय कार्यक्रम होगा कि चंद्रशेखर आजाद ताकतवर नहीं होना चाहिए, चाहे BJP जीत जाए चाहे कांग्रेस जीत जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यहाँ कांग्रेस भी थी या BJP भी थी, आपका भला हुआ क्या आप बताओ। मैं तो यहाँ वोट मांगने नहीं आया, मगर ये बताओ कभी आपके ऊपर आंख उठी मैंने पीछे पलट के देखने दिया आपको? आज अगर आप मुझसे प्यार करते मैंने कुछ दिया थोड़ा ही आपको, बस आपके लिए मेहनत करके प्यार कमाया। और जब मैं इनके CBI में इनकम टैक्स से नहीं रुका तो इन्होंने मेरे ऊपर गोली चलवा दी, मैं 4-4 गोली खाकर बैठा हूं। लेकिन मैं 3वें दिन गया था भरतपुर ये बताने के लिए कि शेर का बच्चा हूं, हटूंगा नहीं पिछले बात को याद रखना, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही हूं, हौसला लेकर दिखाने दूंगा। और याद रखना अगर एक चंद्रशेखर आजाद जाएगा तो लाखों चंद्रशेखर आजाद तैयार हो गए देश में, तुम रोक नहीं पाओगे। और फिर कहता हूं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि 21वीं सदी हमारी है, कोई रोक नहीं सकता। 21वीं सदी में दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यक समाज में मुसलमान, जैन, सिख, बौद्ध, कमजोर वर्गों का राज आने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने तो रानी का पेट बहुत दिन पहले चीर दिया था आजाद होने से पहले और कहा कि रानी के पेट से अब राजा नहीं पैदा होगा, राजा आपके वोट से तैयार है। ये कौन राजा है जो कह रहा हम राजा, लोकतंत्र है। अगर जो खुद को राजा कहता आपके दरवाजों पे चुनाव के समय नाक रगड़ता हुआ दिखाई दिया तब मुझे बताना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वोट में कितनी शक्ति। राजा भी आएगा, महाराजा भी आएगा, सेठ जी भी आएंगे, भट्ट जी भी आएंगे और आपके दरवाजों पे नाक रगड़ेंगे और ये कहेंगे मेरी माँ हो, मेरी बहनों, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गो, कुछ पैसे ले लो, शराब ले लो, साधन ले लो। वो तुम्हारा भला चाहने नहीं आएंगे, वो तुम्हें बेखरीदने आएंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं तुम बिकाऊ हो? बिकाऊ हो तो भैया पीछे हट जाओ, ये नीला पटका डालने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बाबा साहब का झंडा उठाने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए और बाबा साहब का आंदोलन चलाने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है। हमारे सामने का अभी बैठे हुए खड़े हो जाओ और जब वो गाना बजे तो ऐसे मुझे तान तान के नाच रहे है तो हमारी भी मुझे ऊंची होगी जब हमने इनको नाचते देखा। ये नीला झंडा ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया और हमने बहुत प्रयास किया मेरे लोगों कि जो पुराना दल है और हम एक हो जाए। लेकिन हमारी गलती इतनी अच्छी है, एक तो हम गरीब परिवार से आते हैं, दूसरी हमारी स्पीड ज्यादा है, समझ रहे हो? यही हमारे लिए, अगर होते
थोड़े बेवकूफ टाइप, थोड़े लालची, पैसा कमाने वाले विधायक बनने वाले तो सब रख लेते, सबको पता है। देखो जिसके पास समस्या उसका, उसको कोई बुरा नहीं कह रहा, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, जिसके पास सोल्यूशन है उसका विरोध कर रहा है। और हमारे पास सोल्यूशन, एक बार मौका दे के देखो, आपने सबको दे दिया, बेहतर शिक्षा हर गरीब के लिए, हर परिवार के लिए सुलभ शिक्षा। अगर डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनना चाहता तुम्हारा बच्चा, तुम्हें जमीन नहीं बेचनी पड़ेगी, किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कोई कर्ज नहीं लेना पड़ेगा, ये जवान दे के जाऊंगा यहां से आपको। अगर बहन बेटी की शादी करनी हो तो किसी की तरफ उम्मीद से नहीं देखना पड़ेगा, गिरवी नहीं रखना पड़ेगा आपको। और अगर बढ़िया इलाज है, मैंने तो खोया अपने पिता को, मेरी जेब में पैसे होते, मैं भी धंधा सेठ का बेटा होता तो बचा लेता अपने पिता को। जिस दिन आप पे पड़ेगी होगी, आपको याद आएगी कि आपका पिता बीमार होगा, आपका भाई बीमार होगा, मां बच्ची बीमार होगी, बहन, और आपके जेब में पैसे नहीं होंगे तो मेरी स्थिति में आ जाओगे, आपको याद आएगा। मैंने अपने पिता को खो दिया, मैंने उसी दिन तय कर लिया था किसी गरीब को आंसू नहीं बहाने दूंगा। लेकिन याद करो यार, हम हजारों की संख्या में यहां इकट्ठा हुए दामोदर, कई बार तुमने इससे बड़ी बड़ी भीड़ जुटाई होगी, मगर शक्ति किस चीज में, इनको ये पता नहीं है। शक्ति वोट से मिलती है, भीड़ से नहीं मिलती मेरे लोगों। अगर आपने एक एक वोट दामोदर भाई के पक्ष में डाल दी तो फिर आपको, आप शक्ति विहीन नहीं रहोगे, फिर आप शक्तिशाली हो जाओगे। वरना मेरी सभाओं में आते रहो, खूब नारा लगाते रहो, मैं रास्ते में रुका, गुजर समाज के बहुत सारे लोग थे, जय भीम बोल के नारे लगा रहे थे, माला घेरे थे, मैंने उनको भी समझाया कि माला मेरे गले में कितनी डाल दो कुछ नहीं होगा, बहुत नारे लगा लो कुछ नहीं होगा, जब तक आप गली में निकल के, गांव में निकल के, और जो रूठे नाराज लोग हैं उनको तैयार करके, अब एक एक वोट आजाद समाज पार्टी के समर्थन में और केतनी निशान पे 17 तारीख को नहीं डालोगे तो चंद्रशेखर आजाद को गोलियां खानी पड़ेंगी। क्योंकि जब तक मेरे पास ताकत नहीं होगी तब तक मैं गोलियां तो खाऊंगा, लेकिन सोचो अगर हमारे पास ताकत होगी तो कोई आप पे गोली चला देगा क्या? आप बताओ, मेरा छोड़ो, चलो छोड़ो, मरना है चंद्रशेखर आजाद को, जब वो इस मिशन में निकला है, बहुत सारे हमसे पहले चले गए, आप मुझे बताओ आपका भविष्य क्या है इस देश में? जब संविधान नहीं होगा, जब लोकतंत्र नहीं होगा, जब वोट का अधिकार नहीं बचेगा, आपको कौन कुर्सी देगा? कमजोर किसानों के बच्चों बताओ, आपको कौन बैठना देगा? आपको कौन दफ्तरों में घुसना देगा? आज पैसे वाले लोग एक महीने में आपके दोस्त बनेंगे, उनसे पूछो 4 साल 11 महीने कहां थे जब चंद्रशेखर आजाद की चमड़ी उतारी जा रही थी आपकी लड़ाई लड़ने के नाम पर, तब वो कहां थे? आज वो आपको रिश्तेदार बनने का प्रयास करेंगे, आपको याद दिलाएंगे, कुछ नहीं दिलाएंगे, वो आपके एक महीने के मित्र हैं। आप ये बताओ, एक महीने वालों के साथ हो या परमानेंट वाले के साथ हो, आप बताओ मुझे। फिर मैं दूसरी बार आपकी सभा में तभी आऊंगा जब आपकी बार में आऊं तो यहां से वहां जिधर मैं देखूं उधर समुद्र जैसा माहौल मुझे दिखना चाहिए, जैसा आपने भोपाल में मुझे दिखाया था। बताओ दिखाओगे नहीं दिखाओगे? देखो लोकतंत्र है, जिनका वोट है उनका राज होना चाहिए, बस इतनी सी बात। वोट किसके पास है यहां? हमारे पास। राज किसका होना चाहिए? अभी किसका है? दुश्मन से उम्मीद करते हो कि किसानों को अच्छी फसल के दाम देगा? दुश्मन से उम्मीद करते हो तुम्हें न्यूनतम वेतन देगा? दुश्मन से यह उम्मीद जरूर करो कि अगर तुम मेहनत मजदूरी करके वेतन मांगने जाओगे तो तुम्हारी खाल खींच के घूस भर देगा? दुश्मन से ये उम्मीद तो करो, मगर दुश्मन से ये उम्मीद मत करो कि वो आपका पेट भरेगा। अगर अपना पेट भरना है, अपने समाज को पैरों पर खड़ा करना है, और अगर आपको यहां ताकतवर बनना है मेरे लोगों, जो आपने 5 साल ना धूप देखी, ना दिन देखा, ना रात देखी, ना आंधी देखी, ना तूफान देखी, क्या मैं जानता नहीं हूं छोटे छोटे साधनों में किस तरह से हमारे लोगों ने लड़ाई लड़ी? इधर जब मैं सुन रहा था ना तो इसकी भैया की भाषा जो है ना, यहां से मुझे वो याद आ रहे थे, वो कौन से बाबा आपके यहां, बागेश्वर वाले, वो मुझे याद आ रहे थे इनकी भाषा से जब ये बोल रहे थे, तो हम वही पकड़ के शुरू किए। सर पे हाथ रखने से जिंदगी बदले ना बदले, लेकिन बटन दबाने से जिंदगी बदलेगी, ये बात आप याद रखें। मैं किसानों से भी पूछना चाहता हूं, आप चाहते हो दामोदर यादव आगे बढ़े? देखो मेरी बात सुनो, जातियों को तोड़ के नहीं, जातियों को जोड़ के जीत सकते हैं। एक जाति से कामयाब नहीं हो सकते हैं, आप अपनी पूरी 100% लगाना, ये इधर से अपना 100% लगाए, उधर से किसान 100% लगाए, और ऐसी मिसाल कायम करना। देखो याद रखना, बहुत चारों तरफ अंधेरा, एक जुगनू जला दो अपने जिले में बस तुम दतिया में, और दामोदर यादव को फेंक दो विधानसभा। अब मैंने कहा कि मैंने विधायक नहीं देखा दामोदर यादव, मैंने देखा कि वो लीडर, और अगर उसको मौका मिला तो उसकी छाव में हजारों लोग, तो क्या हमारे छाव में हजारों नेता तैयार नहीं हुए क्या, बताओ आप मुझे?
और अभी तो यहाँ भाटी जी और हम और दामोदर भाई और तमाम हमारे नेता यहाँ बैठे हैं। अभी तो देखो ये गठजोड़ क्या कमाल करके दिखाएगा, आप ध्यान रखना मेरे बात, ठीक है। इसलिए आपसे आग्रह करूंगा, क्या निशान है आपका जरा जोर से बताओ। असल समस्या कहाँ है कि पता है इनके साथ। अभी तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम्हें घर में जाके माओ बहनों को बताना निशान क्या है, ठीक है। नहीं बताओगे तो वो जाएंगे तो चंद्रशेखर को ढूंढने, मगर ढूंढेगी कहां? ईवीएम क्या चंद्रशेखर मिलेगा क्या? ईवीएम में क्या मिलेगा? देव देव सुनो, ये दामोदर भाई बताए ना कि खेत में निशान क्यों रखा, हम बताएं। एक चाय वाले ने पूरा देश बेच दिया है, हमने उसकी चाय की दुकान बंद करनी है, ठीक है, जो देश सलामत रहे। समझ रहे, समझ रहे हो? देश नहीं बिकने देना, ये देश हमारे महापुरुषों के बलिदान पर टिका है। और सुनो, ये केतली कुछ जैसा नहीं लगता, चिराग जैसा, अलादीन का चिराग बचपन में देखे हो तुम सब लोग, लगता है नहीं लगता है? तुम इसको दबा देना जोर से, और इसमें इसको जब तुम दबा दोगे तो कौन निकलेगा तुम्हें पता है? अभी निकल जाए रविंद्र भाटी तो चिंता मत मानना, और निकल जाए दामोदर यादव तो भी चिंता मत मानना, और निकल जाए चंद्रशेखर आजाद तो चिंता मत मानना। तुम जिसको भी कह दोगे, और क्या कहता था वो टीवी में सुना है ना कि क्या हुक्म मेरे। अब अगर अपनी समस्या पूरी करवानी तो फिर, और अगर समस्याओं में रहना है तो फिर कुछ भी दबा देना। अब ये बताओ, ये वोट का अधिकार बिकने के लिए मिला है, गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए? तो इस बार काटोगे नहीं काटोगे बताओ। मैं अपने नौजवान भाइयों से कहना चाहता हूं, रोजगार मिल रहा है क्या? जेब में पैसे है क्या? सुनो, इधर देखो, देखो क्या दिखाएं बताओ, कुछ दिखाएं। इसमें खास है, चमड़े की है, चमड़े की। कारण बताया क्या है? ये चमड़ा हमारे शरीर पे भी है। अब चमड़ा चाहे सर पे रखने के काम आए या पैर में, अब तुम तय करो। अब मैं हम तुम्हें बता दिए सारी बात, अगर कर दिए गलती तो फिर खाल खींचेगी, दुश्मन खींचेगा। फिर मुझसे मत कहना रोज चिल्ला के कि आज यहां हत्या कर दी, आज यहां, मुझसे मत कहलवाओ। अगर कोई जुल्म होगा सेवड़ा में तो आप जिम्मेदार होंगे, और आपने गलती की मेरे लोगों याद रखो, क्योंकि काशीराम साहब के जिनका राज होता है उनकी बहन बेटे की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता, उनको किसी आगे हाथ फैलाना नहीं पड़ता, साहब कहते थे। अगर गलती की तुमने तो फिर मुझसे मत रोना कि हमारी खाल तार ली, मैं तो फिर भी आऊंगा, लेकिन अगर गलती नहीं की तो फिर क्या होगा कि सारी बहन बेटियां सुरक्षित रहेंगी, किसी गरीब की तरफ कोई आंख नहीं उठाएगा। और मैं तो फिर कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, तुमसे चिल्ला के ऐसा राज लेके आएंगे कि किसी कमजोर किसान कमेरे की बेटी की तरफ, गरीब की बच्ची की तरफ कोई सामंती आग उठा के नहीं देखेगा, उसका इलाज कर दिया जाएगा। ये बात याद रखना, किसी की जमीन पर कोई कब्जा नहीं करेगा, कोई सामंती भारतीय जनता पार्टी के सहारे पे, उसका इलाज कर दिया जाएगा। और कोई अधिकारी कर्मचारी किसी को निर्दोष को फंसा नहीं पाएगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पिछड़ा हो या दलित हो, आदिवासी कोई हो, चाहे किसी के घर पर जबरन बुलडोजर नहीं चलेगा, वरना ये सब यही है। तुम मानते हो संविधान को खतरा है? कितने लोग मानते हो, हाथ खड़े करियो, फिर एक बात का जवाब और दे दियो। ये सब आरी सारी पार्टियां यही है, उनपे विधायक एमपी भी है, फिर कहां को खतरा हुआ बताओ? हुआ है नहीं, सारी पार्टियां यहां इस देश में, फिर कहां को खतरा हुआ? खतरा इसलिए हुआ क्योंकि वो पार्टियां सब लोग आपकी अपनी नहीं। अगर आज कोई आपका अपना है तो वो भीम आर्मी और वो आजाद समाज पार्टी है। इसलिए बस पीछे पलट के नहीं देखना, पीछे पलट के तो नहीं देखोगे? बताओ फिर जोर से निशान क्या आपका बताओ। अब सब चुप हो जाओ, ये माए बहने बताएं बस, आप बताओ निशान क्या है अपना। आवाज कम, ये इतनी कम आवाज में तो कुछ नहीं बनेगा। एक साथ लगाओ, जब हम कहें एक दो तीन पे लगाओ, एक दो तीन, हाँ ऐसे इकट्ठे होके देना। कभी कुछ 15 को दे दो, कभी 14 को दे दो, कुछ 17 को दो, ऐसा मत करना। सब इकट्ठे होकर किस तारीख में वोट डालना है? 17 में कहो कि हम 15 के मीत हैं, हम 16 के नहीं। अच्छा सुनो, कोई पैसा शराब लेके आए
शराब ऐसे बुरी चीज है, कोई पैसा पूसा दे तो रख लेना, घबराना मत, हम हैं जो तुमसे वापस कोई छीन ले हमें बता देना। तो उनका पैसा नहीं है, सब हराम का कमाया हुआ, समझे, तभी लुटा रहे हैं, गरीबों की जमीन गरीबों की खाद खींच खींच के कमाया, गरीबों का पैसा है। इसलिए अगर तुम्हें कोई पैसा दे तो रख लेना, कोई सेठ जी कोई राजा जी दे तो रख लेना, और बता देना अगर कोई कुछ कहे कि हम उनके भाई, समझ रहे हो, समझ रहे, समझे नहीं समझे, मगर उनका पैसा जेब में गिर के तुम ईमानदार हो, खराब तो नहीं हो जाओगे पक्का। हाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम, जय भारत, जय मंडल, जय जोहार, जय संविधान, जय जवान।